हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी, जो कि एसएससी जेई ने अपनी वैकेंसी जो है निकाल दी है। जूनियर इंजीनियर 2019 की वैकेंसी आ चुकी है, तो जो भी अपने डिप्लोमा होल्डर्स और बीटेक होल्डर्स जो भाई अपने, वो सब अप्लाई कर सकते हैं। बता दूंगा मैं कैसे कैसे अप्लाई करना है और ये कब से इसका लिंक जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो वैकेंसी की डिटेल जो है वो जान लेते हैं कि कितनी वैकेंसी है, मतलब किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी जो है वो निकली हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो एसएससी जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकली है, तो मैं दिखा देता हूँ आपको कहाँ से वैकेंसी देखनी है। सबसे पहले आपको जाना है क्रोम ब्राउज़र में, जाइए सीधा अपने जो जो भी आप यूज़ करते हैं, जो उन सभी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं, सबसे पहले अपना उसको ओपन कर लीजिए और सिंपली सर्च करिए उसके अंदर सरकारी रिजल्ट। मैं एक बार इसको इंग्लिश में कर लेता हूँ। सरकारी रिजल्ट आप लोगों को सर्च करना है और सरकारी रिजल्ट पे ही अब हमारी सारी जो है वो जानकारी मिलेगी हमें इसके बारे में। तो सरकारी रिजल्ट मैंने जो है वो सर्च कर लिया, सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम। सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम पर जो है सबसे लेटेस्ट जो वैकेंसी है, लेटेस्ट जॉब के जो सबसे ऊपर है वो एसएससी जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और उसमें कितनी हमारी फ़ीस लग रही है। तो फीस हमारी वही लग रही है, जनरल ओबीसी की जो फ़ीस है वो है, जनरल ओबीसी की जो फ़ीस है वो 100 रुपये है, जनरल ओबीसी की फ़ीस 100 रुपये। और एससी एसटी जो है हमारे कैंडिडेट, उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। और जो एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगी वो दोस्तों होगी स्टार्ट 28/1/2019 से स्टार्ट है। 28/1/2019 से जो एप्लीकेशन स्टार्ट है वो, जिसकी लास्ट डेट है एग्ज़ाम पे करने की, जो लास्ट डेट है वो है 25/2। और जो इसकी CBT की जो टेस्ट, फर्स्ट जो एग्ज़ाम होगा उसकी CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा उसका एग्ज़ाम की डेट जो इन्होंने मंथ डिक्लेयर कर रखा है वो है मार्च या अप्रैल के महीने में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो अपनी तैयारी पूरी रखिएगा, एडमिट कार्ड इसके मार्च 2019 में आ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं कि और कौन कौन सी आपके सीरियल नंबर से सारी वैकेंसीज के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जो आपकी है सेंट्रल वाटर कमीशन CWC, इसमें पोस्ट जो पोस्ट नेम जो है वो हमारी है जूनियर इंजीनियर सिविल और जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल। इसके अंदर हम कोई से भी सारे BTech और 3 ईयर डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग कैंडिडेट सारे अप्लाई कर सकते हैं, BTech वाले भी और डिप्लोमा वाले भी। एज लिमिट जो हमारी वो 32 ईयर है। और इसके अंदर एज रिलैक्सेशन भी है सारा, उसको भी हम बाद में देखते हैं कि कितना कितना है वो। और दूसरी मैकेनिकल के भी लिए भी सेम है। और जो हम अब थर्ड सेकंड जो हमारा डिपार्टमेंट है वो CPWD, इसमें भी जूनियर इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है, लेकिन इसमें केवल डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, इसमें BTech वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं, अप्लीकेबल नहीं है इसके लिए, केवल डिप्लोमा वाले कैंडिडेट ही इसके लिए एप्लीकेबल है। एज लिमिट सेम है 32 ईयर्स। नंबर थर्ड वाले डिपार्टमेंट पता है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जूनियर इंजीनियर सिविल है, सिविल डिप्लोमा वाले इसमें कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं बस, इसके अंदर भी डिप्लोमा वाले कैंडिडेट ही है बस। तो यार वो इसकी एज लिमिट जो है वो थोड़ी कम है, क्योंकि डिप्लोमा वाले कैंडिडेट की एज ज़्यादा नहीं होती। BTech वाले कैंडिडेट, जिसमें BTech वाले कैंडिडेट और डिप्लोमा वाले दोनों की एलिजिबिलिटी है, उसकी एज लिमिट थोड़ी ज़्यादा रखी है इन्होंने। तो चलिए देखते हैं और सारी पोस्ट। अगला जो डिपार्टमेंट है वो है MES, इसके अंदर भी जूनियर इंजीनियर सिविल और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और जूनियर इंजीनियर क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉन्ट्रैक्ट, ये भी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। और जो ये बाकी दो पोस्ट है ऊपर जूनियर इंजीनियर सिविल वाली और इसके अंदर जो हमारा सारा BTech और डिप्लोमा वाले सब इंक्लूड हैं, लेकिन जो हमारी जूनियर इंजीनियर सर्विंग एंड कॉन्ट्रैक्ट वाली है इसके अंदर हमारा सिर्फ डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग है। इसकी एज लिमिट भी 27 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो हमारा अगला डिपार्टमेंट है वो है फराका बैरेज प्रोजेक्ट, फराका बैरेज प्रोजेक्ट। तो इसके अंदर भी हमारी सारी जूनियर इंजीनियरिंग सिविल भी है और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों है, इसमें डिप्लोमा वाले कैंडिडेट एप्लीकेबल है, ओनली डिप्लोमा कैंडिडेट एप्लीकेबल। एज लिमिट जो है इसकी वो है 30 ईयर्स, अप टू 30 ईयर एज लिमिट है। अगला जो डिपार्टमेंट है वो है डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर भी हमारी सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों की वैकेंसी है और डिप्लोमा कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है और एज लिमिट वो हमारी सेम 30 ईयर।
ऐसी सारी आप पढ़ सकते हो इसके अंदर। मैं सारी लास्ट वाली पढ़ लेते हैं एक बार और दोबारा। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, लास्ट वाली मैं बता रहा हूँ बस आपको, डिपार्टमेंट जो है इस चीज़ के अंदर है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO। इसके अंदर भी हमारी जूनियर इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इन सब की वैकेंसी जो है वो निकल चुकी है। इसमें भी हमारे डिप्लोमा कैंडिडेट जो हैं वो एप्लीकेबल है ओनली, और अप टू 30 इसकी एज लिमिट है। तो अभी इसका लिंक जो है वो लिंक जो है अभी एक्टिवेट अभी इन्होंने नहीं कराया, वो होगा हमारा 28/1/2019 को इसका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये थी इसकी जूनियर इंजीनियरिंग की वैकेंसी, तो आप यहाँ से इसको अप्लाई कर सकते हैं, सरकारी result.com पे से आप अप्लाई कर सकते हैं 28/1/2019 से। तो बस यही जानकारी थी जूनियर इंजीनियर सिविल वालों के लिए, और सब मैकेनिकल डिप्लोमा जो भी है सब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।